वहीं से रहते हैं और इस बिजनेस में उसको लाने वाले मिस्टर मुबारक ली सर फर्स्ट उनके लिए जो काम करेंगे। और देखा है तो कोई भी काम हो बिना सपोर्टिंग के आगे नहीं बढ़ता, चाहे वो मार्केटिंग का बिजनेस हो, चाहे कोई कंपनी हो, कोई भट्टा हो, कोई भी काम आप कर लीजिए, अकेले बैठे रहिए, एक दुकान अगर आप अकेले बैठेंगे कोई काम नहीं आएगा तो मेरा सपना होगा नहीं होगा। तो बिना लोगों के सपोर्टिंग के आपका कोई भी काम आगे बढ़ने वाला नहीं है कि नहीं। तो ऐसा ही इस बिजनेस में उसको सपोर्ट करने वाले मिस्टर सांजाल आलम सर और मिस्टर मजीद सर के लिए बहुत ही जबरदस्त तालियां। वीडियो बना रहे हैं सर, बस मैं रवि सर को
और एक आप लोगों को सिर्फ रवि सर को विजय से आपने बताया था और वही रवि सर के नाते आज इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं किसी को गया हूँ पर्सनल बताने क्या या मेरा पहचान था किसी से नहीं था ना, सिर्फ किसे पहचान रवि सर से है कि नहीं। तो अभी हमारे रवि सर के बाई बाई मात्र 3 महीने। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है, कोई बड़ी नहीं है, इसके बाद आपको छोड़ा जाएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए 90% लोग जो होते हैं अपनी ये दुनिया में 90% लोग यही नहीं जान पाते हैं कि आखिर मैं पैदा क्यों हूं, भगवान ने मुझे आदमी क्यों बनाया है। जानवर भी बना सकता था, 86 लाख प्रजातियां हैं क्यों गुरु जी, लगभग 86 लाख प्रजातियां हैं, वो आपको चुन करके मनुष्य ही क्यों बनाया, और कुत्ता क्यों नहीं, बिल्ली क्यों नहीं, और जानवर क्यों नहीं बना दिया, क्योंकि वो आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है कि नहीं। आप उसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है और आप अपने जीवन को आप समझ नहीं पा रहे हो। एक बार एक महात्मा जी गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम कौन कौन सुने, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ सिंह था, वहां कपिल वस्तु के राजा हुआ करते थे उनके पिताजी, और गौतम बुद्ध जी जब महात्मा बने तो एक आदमी उसके पास गया, बोला गुरु जी महात्मा जी मैं इतने दिन से फील्ड में हूँ, इतने दिन से ये बहुत सारा कर रहा हूँ, ऐसी कैसी हो रहा है मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं सफलता नहीं पा रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी का वैल्यूएशन ही नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे कुछ राय दें, कुछ सलाह दें। तो महात्मा जी ने उस आदमी को एक पत्थर दिया, क्या दिया, पत्थर दिया, और महात्मा जी ने बोला कि ये पत्थर आप ले जाओ और मार्केट में इसका रेट लगाओ, लेकिन आपको इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ आप इसकी कीमत लगाओ कि ये कितने में बिकेगा। तो वो आदमी जो है पत्थर ले जाता है और सबसे पहले वो सब्जी वाले के पास ले जाता है, इसके पास सब्जी वाले, सब्जी वाला देखता है कि जो है पत्थर है, तो बोलता है भैया पत्थर बहुत सुंदर है, और एक काम करो एक बोरा आलू ले लो और पत्थरों दे दो। तो वो आदमी बोलता है मुझे ये बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मुझे रेट लगाना है। इसके बाद आगे जाता है एक फल वाले के पास जाता है, फल वाले को पत्थर दिखाता है, तो फल वाला बोलता है पत्थर मुझे दे दो, दो चार किलो फल ले लो या अकेला ले लो, है कि नहीं। तो फिर वही बोलता है कि मुझे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसका कीमत लगाना है। फिर आगे बढ़ता है एक सुनार के पास जाता है, वो पत्थर ले लेते सुनार भी देखता है वो पत्थर, बोलता है तो वो चमकीला है और इसको किसी आभूषण में लगा देंगे तो अच्छा दाम मिल जाएगा, तो इतना मतलब तो 50 लाख रुपया ले लो। फिर बोलता है कि नहीं मुझे बेचना नहीं है, इसका मुझे सिर्फ दाम बनाना है। फिर बोलता है 1 करोड़ रुपया ले, बोलता है नहीं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक जौहरी के पास जाता है, जो हीरे मोतियों का मैनेजर होता है, मतलब उसका देख रेख करने मेंटेनेंस करने वाला होता है, जौहरी को बुलाया जाता है। तो उसके पास जब वो पत्थर ले जाता है तो जौहरी जो है देखता है पत्थर को और ऐसे रुमाल बिछा करके झाड़ पर पड़ गया, उस रुमाल पर उसको रखता है और सबसे पहले उस पर माथा टेकता है। तो आदमी आश्चर्य हो जाता है, या फिर आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा जौहरी ने कि आपको ये पत्थर मिला कहां से, आपको ये पत्थर मिला कहां से, तो बोला मेरे पास ये सब बताने का टाइम नहीं है, आप उसे इसका कीमत बताओ, मेरे गुरु जी ने कहा है, महात्मा जी ने कहा कि मुझे इसको बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत लगानी। तो जौहरी ने कहा कि ये बेशकीमती है, पूरी वर्ल्ड पूरा यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड अगर बेच दोगे तो भी इसका कीमत नहीं लग पाएगा। यही पत्थर 500 करोड़ होता है, सेम वही आपकी जिंदगी है। आप जाओ तो आप एक मजदूर के रूप में उसको बेच दो, आप जाओ एक उसको बिजनेसमैन के रूप में बेच
जेफ बिजोस के अमेज़न, ये अमेज़न जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मोबाइल वगैरह मंगाते हैं, इसके मालिक हैं जेफ बिजोस। और यही जो काम हम लोग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, यही नेटवर्क मार्केटिंग करके पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी समझिए इनकी कमाई एक दिन में 115 करोड़। हमारे